मेरे पीछे नेशनल हाईवे है, गुजरात से चलकर कानपुर तक ये हाईवे पहुंचता है। इसी हाईवे से, इसी रूट से दो बार पिछले 16 दिनों में या 17 दिनों में अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल तक लाया गया। इस हाईवे से ये जगह जहां आज असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ लगभग दूरी 2 किलोमीटर की है। हाईवे से इस कच्चे रास्ते पर आने के लिए आपको रॉन्ग साइड लेना पड़ता है। इसी कच्चे रास्ते पर आसपास के कुछ गांव है, मेरी दाहिने तरफ ऐश डैम और इधर मेरी बाई तरफ ये है परीक्षा डैम। ये बहुत ही मशहूर डैम है और इन्हीं दोनों के बीच में यानी ऐश डैम और परीक्षा डैम के बीच में ये कच्चा रास्ता है, पीछे कुछ बस्ती है और ठीक इसी जगह बाइक पुलिस के हिसाब से और यहाँ पर बाइक पलटती है और यहीं पर गुलाम और असद इन दोनों की लाश मिलती है। इनकाउंटर में उन्हें गोली मारी जाती है और उसके बाद यहाँ पे उनकी लाश मिलती है। तो कुल मिलाकर ये वो जगह है जहाँ पर ये इनकाउंटर आज दोपहर करीब 1:15 बजे हुआ। अब सवाल ये है कि ये इनकाउंटर के पीछे की कहानी क्या है, तो एक लाइन में कहानी ये है कि ये सबको पता था और सबको पता है। यूपीएसटीएफ के मुताबिक जिस बाइक डिस्कवर पर असद सवार था वो चोरी की है। असद और गुलाम के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बो, वाल्थर P88 पिस्टल, 7.63 बोर और कुछ कैश बरामद हुआ है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वाल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो एसटीएफ को दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच झांसी के परीक्षा बांध के नजदीक असद और गुलाम मोहम्मद के एक बाइक से गुजरने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की घेरेबंदी की कोशिश की, लेकिन हथियारों से लैस दोनों ही शूटर्स ने पुलिस की बात मानकर खुद को कानून के हवाले करने की जगह उल्टे उन्हीं पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में असद और गुलाम मोहम्मद दोनों पहले जख्मी हुए और फिर मारे गए। मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश शुरू की थी तो साजिश के तार साबरमती जेल में बंद माफिया सरगना अतीक अहमद से जुड़ते नजर आए। पता चला कि अतीक ने बरेली जेल में बंद अपने भाई अशरफ के साथ मिलकर अपने गैंग के लोगों के जरिए उमेश पाल के कत्ल की पूरी प्लानिंग की। इस प्लानिंग में अतीक की बीवी शाइस्ता ने फैसिलिटेटर की भूमिका निभाई, सदाकत नाम के एक वकील के साथ मिलकर सारे शूटर्स को कोऑर्डिनेट किया और अतीक के बेटे असद ने इस शूटआउट को लीड किया, जिसमें विजय चौधरी, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर और अरबाज जैसे शूटर्स शामिल थे। फिलहाल इनमें अतीक और अशरफ तो पहले से ही जेल में बंद होने की वजह से पुलिस की गिरफ्त में हैं। सदाकत को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। शूटआउट में शामिल एक ड्राइवर अरबाज और शूटर विजय चौधरी पहले ही ढेर किए जा चुके हैं, जबकि गुरुवार को असद और गुलाम मोहम्मद एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इस लिहाज से देखें तो अब गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर का नंबर है, जिनके नाम पुलिस ने पहले ही 5-5 लाख के इनाम का ऐलान कर रखा है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव और झांसी से प्रमोद गौतम और कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान। आज तक।